कल हमने क्या देख लिया था, कैरेक्टरिस्टिक देख लिए थे ना कंटूर्स के, ये रिज वैली कल कोई और पूछ रहा था, एक बार थोड़ा सा और रिज वैली देख लेते। देखिए ऐसा कुछ होते थे कि ये आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ये पहाड़ है ना, इस पहाड़ के टॉप टॉप पॉइंट है ना ये सारे, ये कहलाता है, ये लाइन अब कहलाती है रिज लाइन। इसको ब्लैक लाइन से बनाऊं अगर तो ये आपकी रिज है, ये है, ये आपका रिज है। सेम अगर हम वैली देखें तो ये मान लीजिए दो पहाड़ के बीच में ये वैली जैसा कुछ है, ठीक है, या फिर रिवर बह रही है, तो आप यहाँ पॉइंट का अगर सर्वे करेंगे तो ये जो बनेगा आपका, ये आपका कहलाता है वैली लाइन। तो ये आपकी वैली लाइन है, और ये टॉप वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं रिज लाइन। तो जो कंटूर हम बनाते हैं ना, जो कंटूर बनता है आपका, जो कंटूर ड्रॉ होता है, जो कंटूर ड्रॉ होता है इस रिज लाइन के, ऐसा होता है, ऐसा जो कंटूर बनेगा ना इसका, ये आगे मतलब जैसे गोल बनेगा पूरा ये ऐसा करके, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा कंटूर। तो रिज लाइन को 90 डिग्री पे कट, मतलब एग्जैक्टली 90, ऐसा नहीं होता कि ये इसको ऐसा ऐसा नहीं काट रहा है, लेकिन लगभग ये ना 90 डिग्री जैसा ही होता है, इसको हम 90 बोल देते हैं, कि जो रिज लाइन होता है या वैली लाइन होता है, कंटूर जो बनता है इसको इसको 90 डिग्री पे कट करता है। क्लियर है? रिज लाइन और वैली लाइन समझ में आ गया ना किसको बोलेंगे? चलिए ठीक है, चलो अब इसमें एक और टर्म आता है, कंटूर ग्रेडियंट। एक आता है टर्म कंटूर ग्रेडियंट। अब ये क्या होता है, अ लाइन लाइंग ऑन द ग्राउंड सरफेस थ्रू आउट एंड मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंक्लिनेशन टू टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज टर्म्ड एज कंटूर ग्रेडियंट। क्लियर? देखिए क्या बोल रहा है, आपका अगर कोई एक ग्राउंड है, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो जो इससे कांस्टेंट इंक्लिनेशन, मतलब कि इससे जो लाइन बनेगा सबका अगर एंगल सेम हो ये, तो इस ग्रेडियंट को आप कंटूर ग्रेडियंट बोलेंगे। ये अगर स्लोप सेम हो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो आपका ये लाइन बन रहा है, सबका इंक्लिनेशन अगर सेम होगा, थीटा है तो सारा वर्ग थीटा वैल्यू है, तो इसको ऐसे ग्रेडियंट को आप कंटूर ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको निकालने के लिए हम लोगों को कंटूर इंटरवल, जो भी आपकी इंटरवल होगी उसको आप डिवाइड कर देंगे अगर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट से, तो आपका कंटूर ग्रेडियंट निकल आ जाएगा। ठीक है, कंटूर ग्रेडियंट को लोकेट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम है घाट ट्रेसर। याद रखेंगे, बहुत पूछ लेता है कि कंटूर ग्रेडियंट लोकेट करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है हमको एरिया मेजर करने के लिए हम प्लानीमीटर यूज करते हैं, वैसे ही कंटूर ग्रेडियंट ड्रॉ करने के लिए आप घाट ट्रेसर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो याद रखेंगे, कंटूर ग्रेडियंट को लोकेट करने के लिए, कंटूर ग्रेडियंट को लोकेट करने के लिए आप घाट ट्रेसर का यूज करते हैं। अब ये ग्रेड कंटूर्स क्या होते हैं, द लाइन हैविंग इक्वल ग्रेडियंट अलोंग अ स्लोप आर कॉल्ड ग्रेड कंटूर। तो अगर मान लो कि अगर आपका जो कंटूर बना है उसका जो स्लोप है, अगर सबका सेम रहेगा, तो ऐसे जो कंटूर्स बनेंगे उसको आप ग्रेड कंटूर्स बोलेंगे। जितने भी लाइंस बनेंगे सबका ग्रेडियंट अगर बराबर है तो उसको आप क्या बोलेंगे, ग्रेड कंटूर बोलेंगे। क्लियर? आपसे एग्जाम में ना ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, कंटूर इंटरवल कितना होगा, क्या दिया है इसमें, इसमें लिखा है आपसे द सुटेबल कंटूर इंटरवल फॉर अ मैप विद स्केल। आपको स्केल दे देगा और पूछेगा कि आप इस मैप के लिए, आपको एक आरएफ दे देगा, स्केल दे दिया आपको, और आपसे पूछेगा कि आप कंटूर इंटरवल कितना रखेंगे, आपका कंटूर इंटरवल कितना होना चाहिए। कंटूर इंटरवल क्या होता है, दो कंटूर्स के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको हम कंटूर इंटरवल बोलते हैं। बोलते हैं तो हमने देखा था कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं। तो आपसे क्या करेगा, आरएफ दे देगा आपको और आपसे पूछेगा कि कंटूर इंटरवल आप कितना रखोगे इस मैप के लिए। देखिए अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो कंटूर इंटरवल निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कंटूर इंटरवल कैसे निकलता है, ये ऊपर 25 होता है,
और नीचे में होता है नंबर्स ऑफ सेंटीमीटर, नंबर्स ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स हैं, उनको आप नीचे रखोगे और ऊपर में रहेगा आप 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ आपको स्केल दिया हुआ है, क्या दिया आपको स्केल, इसके लिए आरएफ बोल लो कितना दिया आपको, 1 in 10,000 दिया है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, ये 10,000 सेंटीमीटर के बराबर है, ये बोल सकते हैं ना। चलिए हमको लेकिन यहाँ पे चाहिए कि कितने से पर, मतलब 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो हम क्या करते हैं इस तरफ के सेंटीमीटर को किलोमीटर में आप चेंज कर लो, यहाँ सेंटीमीटर लिखा है आपको किलोमीटर, हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं इसको। तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1,000 मीटर होता है, और मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में और करो तो कितना हो जाएगा, ये 1,000 × 100 हो जाएगा, तो बन जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 10^5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं 10^5। बोल 10^5। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। चलो तो हमको यहाँ पे सेंटीमीटर से किलोमीटर में आंसर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे (10^-5) हो जाएगा ये, तब बन जाएगा किलोमीटर, ये सेंटीमीटर में है, आपको सेंटीमीटर से किलोमीटर में करना है, तो 1 किलोमीटर में 10^5 सेंटीमीटर होता है, हमको सेंटीमीटर से किलोमीटर में, तो आप डिवाइड कर देंगे, 10^-5 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब जो इसको आप सॉल्व करो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपका ये बचेगा 0.1 किलोमीटर, लेकिन आपको चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर में आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, बोल सकते हो यहाँ से 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मैम अग्नि बैच में पीडीएफ नहीं अपलोड किए हैं, बस 2 ही PDF दिख रहा है लेवलिंग का। अच्छा ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ना अमन, मैं ये क्लास के बाद चेक कर लूंगी। ठीक है, 100 मीटर मल्टीप्लाई क्योंकि 100 कहाँ, 100 मल्टीप्लाई किए, ये 1 किलोमीटर में आपका 1,000 मीटर, हम लोगों को सेंटीमीटर से किलोमीटर में चाहिए ना, आपको 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है पूछा है आपसे, तो आपको ये सेंटीमीटर को किलोमीटर बनाना है, तो 1 किलोमीटर में आपका 1,000 मीटर होता है और 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए हम ये कर दिया, तो 1 किलोमीटर 10^5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है यहां तक, चलो यहां तक हो गया। अब देखो आपने निकाल ली कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो बस कुछ नहीं करना है, कंटूर इंटरवल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/10 हो जाएगा, इसको 100 आएगा 2.5 मीटर, अरे ऑप्शन में यहाँ 2.5 देना चाहिए था, ऑप्शन 1 ठीक है। कंफ्यूजन हो गया है, अच्छा कोई नहीं, एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो देखो कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, नंबर कितने होते हैं ये फॉर्मूला आप नहीं भूलेंगे, ये कि
25/ नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर, ठीक है यहां तक ठीक है। अब क्या करना था हमको, आपको आर एफ दिया हुआ था, स्केल कितना दिया था, 1 in 10,000 दिया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, कल ही बताई थी मैं आप लोगों को, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है चलो, अब यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर, आप क्या कर दीजिए, इस वाले को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है हमको। तो हमने क्या किया, सेंटीमीटर से आपको किलोमीटर में आना है, तो आपको 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1,000 मीटर होता है, और इस मीटर को आपको और सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये कन्वर्ट क्लियर है ना। 1 किलोमीटर में कितना होता है आपका, 1,000 मीटर होता है, और 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10,000 × 100 लिख सकती हूँ ना, बन जाएगा पूरा सेंटीमीटर आपका। तो आपने ये निकाल लिया कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 10^5 सेंटीमीटर होगा, लेकिन आपको सेंटीमीटर से किलोमीटर में आज क्या करना पड़ेगा, 10^5 से डिवाइड करना पड़ता आपको, करना पड़ता ना, 1,000 सेंटीमीटर यहाँ पे 10,000 सेंटीमीटर पहले से था ये सेंटीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करा, तो डिवाइड करते हैं आप 10^5 से, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो 4 इसका 4 0 कट जाता आपका, बस 1/10, तो इसको आप 0.1 लिख सकते हैं ना, तो ये भी 0.1 आ गया किलोमीटर में। लेकिन आपको चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर चाहिए आपको, आपको चाहिए कि 1 किलोमीटर में नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स हैं। तो आपने इस 0.1 किलोमीटर को क्या कर दिया, इसको आपने बोल दिया 1 किलोमीटर, तो इधर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ये इसको आपने 1 बना दिया, तो इसका 1/10 इधर चल जाएगा, ये बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर नीरज, देखो इसका जो स्केल लिखा होता है ना आर एफ, ये जो लिखा होता है ना, ये आपका सेंटीमीटर में शो करता है आपको, इसका मतलब है देखो ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर, तो ये कट गया है आपका, तो आप स्केल, हम इसलिए कोई भी यूनिट नहीं लिखते, लेकिन इसका अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसका मतलब यही है कि 1 सेंटीमीटर में 10,000 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप 10,000 सेंटीमीटर को, अब जब आप इस मैप में ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं, इसका आर एफ का मतलब ही क्या होता है, आप स्केल करते ही क्यों हैं, स्केल आप प्रोवाइड करते हैं क्योंकि भाई कोई बहुत बड़ी चीज है, 10,000 सेंटीमीटर को आप अपने छोटे से पेपर में शो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए इसका इसका मतलब होता है कि 10,000 सेंटीमीटर को आप अपने स्केल में 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, क्लियर है, अभी क्लियर हुआ क्या ये, ठीक है। और अगर मान लीजिए, अगर अगर आपको ऑप्शन में 2.5 नहीं दिया होता, मान लो 2 ही लिखा होता, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर, तब भी आप आंसर 1 को ही करते, क्योंकि 2.5 सबसे पास इसी 2 के ही आसपास में है, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर का ये हो जाएगा। वैसे आपको एग्जाम में 2.5 देना चाहिए, ठीक है, कायदे से क्लियर है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है,
हाँ, ये आंसर आपका मीटर में आएगा, यहाँ पुट करेंगे आंसर आपका मीटर में आएगा। क्वेश्चन में किसमें कन्वर्ट कर रहा है वो लिखा नहीं, मतलब घूमता है, इसमें एक माइल्स वाला भी कुछ रहता है, तो देख के बता दे, 50 या कुछ रहता है इसमें। देखो भाई, ये आंसर इसका मीटर में आता है, इसको जब इसको रखते हैं ना हम आंसर, तो इसका आंसर हमारा मीटर में आता है, मीटर में। और यही चीज अगर आपसे नंबर ऑफ, अगर वो माइल में रहता है ना, तो नंबर ऊपर में रहता है 50 और नीचे में रहता है नंबर ऑफ इंच पर माइल। वन बाई 10 सेंटीमीटर में है तो मीटर में कैसे आएगा? देखो तो फॉर्मूला है वो ना, उसमें ऐसे ही दिया है कि 25 है नीचे में नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर, और जब इसको आप पुट करेंगे कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर आपका आया है, जब इसको पुट करो तो आपका आंसर मीटर में आएगा। और यही अगर आपसे ये बोलता है ना, दो इसका फॉर्मूला बनता है, एक आपका ये और दूसरा आपका ये फॉर्मूला भी है। सी आई मतलब कंट्रोल इंटरवल, ठीक है। एक फॉर्मूला लिखता है आपको 25 और नीचे में होता है नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर में, आपका आंसर से मीटर में आएगा। और एक और फॉर्मूला है, ऊपर में आपका रहेगा 20, नहीं ऊपर में रहेगा 50, कहाँ गया इरेजर, यहाँ रहेगा आपका 50 और नीचे में रहेगा नंबर्स ऑफ इंच पर माइल, और इसका आंसर आपका किस में आएगा? तो ये फिट में आएगा इसका आंसर। यूनिट वैसे किए तो नहीं आ रहा ना, कोई नहीं, मैं आपको ऐसा एक और क्वेश्चन दे दूंगी, आपके ग्रुप पे भेज दूंगी, तो आपको आप बनाना, फिर जब समझ में नहीं आएगा तो फिर देख लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये तो कंट्रोल खत्म नहीं हो पाएगा आज भी फिर, ठीक है? क्वेश्चन दूंगी, नहीं समझ में आएगा तो फिर उसको फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, देखो सिक्स डबल 360 कुछ इंच होता है 1 माइल में, 6 डबल 3 1 माइल, 6 डबल 3 60 इंच ऐसा कुछ होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन देखिए, देखो क्या बोल रहा है, अब ब्लॉक लेवलिंग, ये कह रहा है हम लोग को आगे जब मेथड्स ऑफ लेवलिंग देखेंगे ना, पॉइंट ए कहीं नीचे है, आप बता रही हूँ, ये देखो ये थोड़ा आगे आना चाहिए था, या तो वो बता के बताऊं कि न्यूमेरिकल, चलो ये न्यूमेरिकल को अभी अभी के थोड़ी देर के वो कर लेते हैं, ठीक है? एक मेथड्स ऑफ लेवलिंग देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलिए
चलो पहले मेथड्स देख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन डील कर लेंगे। नेक्स्ट आइए, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग पे आइए। इसी इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन है आपका, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। कंटूर बनाने के आपका डिफरेंट मेथड्स होते हैं। क्या लिखा है? कंटूर कैन बी ड्रॉन, कंटूर कैन बी ड्रॉन। तो मैं हाइलाइटर यूज कर लेती हूँ मैं। कंटूर कैन बी ड्रॉन इफ द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपरली सेलेक्टेड पॉइंट्स आर नोन। देयर आर बेसिकली टू मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, देखो अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजरमेंट अगर दोनों प्रॉपरली रहेगा तो आप उसके लिए कंटूर ड्रॉ कर सकते हैं। ये बनाने के आपके पास दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। क्लियर? डायरेक्ट मेथड पे आइए। इसमें क्या है, हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड फॉर लार्ज स्केल मैप विथ स्मॉल कंटूर इंटरवल। इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द रिड्यूस्ड लेवल यानी कि RL ऑफ वेरियस सिलेक्टेड पॉइंट्स ऑन अ कंटूर लाइन आर ऑब्टेंड एंड देयर पोजीशंस आर लोकेटेड। द कंटूर्स आर देन ड्रॉन बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट। इट इज वेरी एक्यूरेट मेथड बट इज वेरी टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो ध्यान देंगे दोनों में डिफरेंस आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, जो इंपॉर्टेंट उसको हाईलाइट कर दे रही हूँ। देखिए जो आपका डायरेक्ट मेथड है ना, किसके लिए आप यूज करते हैं? लार्ज स्केल मैप्स के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? लार्ज स्केल मैप के लिए। ठीक है, लार्ज स्केल मैप है तो उसमें आप कैसा इंटरवल लेते हैं? स्केल आपका बड़ा है तो इस इंटरवल कैसा लोगे? कल ही हमने देखा था स्केल से कैसा होता है आपका कंटूर इंटरवल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपका स्केल बड़ा होगा तो आपके कंटूर के इंटरवल कैसे होंगे? स्मॉल होंगे ना, स्मॉल कंटूर इंटरवल। ठीक है, देखो डायरेक्ट मेथड क्या होता है ना, बहुत जब आपको एक्यूरेसी से काम करना होता है तब हम डायरेक्ट मेथड को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इसको हम, अब जाहिर सी बात है कि हम उसमें छोटा इंटरवल ले रहे हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे इंटरवल में काम कर रहे हैं। हाँ स्मॉल। ठीक है, अगर आपका स्केल जो होता है आपका स्केल के इनवर्स में काम करता है आपका क्या, कंटूर इंटरवल। ठीक है, अगर इंटरवल को बड़ा करोगे तो स्केल हो जाएगा छोटा, अगर स्केल लोगे बड़ा तो इंटरवल हो जाएगा छोटा आपका। तो आप डायरेक्ट मेथड को लार्ज स्केल मैप्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल मैप मतलब कि आप इसमें इंटरवल को छोटा लेने वाले हैं, स्मॉल लेने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि आप स्मॉल इंटरवल को लिए हो तो आप बड़े मतलब कि छोटे स्केल पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बड़ा स्केल पे ही काम करना पड़ेगा और इसमें आपको टाइम क्या लगने वाला है? जाहिर से छोटा छोटा इंटरवल ली हो तो आपको टाइम क्या लगेगा? आपको ज्यादा लगेगा, जो इसने कहा टाइम कंज्यूमिंग है, ये वेरी टीडियस है, बहुत टीडियस है। तो इसको आप बहुत बड़े एरिया के लिए कवर नहीं कर सकते, कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आप डायरेक्ट मेथड नहीं करोगे क्योंकि आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में। ठीक है, तो आप इसको कहाँ पे यूज करोगे, कहाँ यूज करोगे? जब आपको छोटा एरिया में काम करना है। ठीक है, जब आपका एरिया कैसा होगा, जब आपको एरिया कैसा होगा, आपका स्मॉल होगा, छोटा आपका एरिया होगा, तब आप इजीली डायरेक्ट मेथड को अडॉप्ट करके कंटूरिंग कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है क्या? कहाँ पे यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड को? जब आप लार्ज स्केल मैप में काम करते हैं, आपको एक्यूरेसी, किसी एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, इसमें एक्यूरेट मिलेगा आपको रिजल्ट। ठीक है, स्मॉल इंटरवल लोगे आप लेकिन वही बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये, और बहुत आपका टीडियस है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब आपको कोई छोटा सा एरिया है, मान लीजिए आपके पास कोई छोटा सा एरिया है, ये कोई ग्राउंड है, ये इतने का आपको करना है, इतने का आपको कंटूर बनाना है। ठीक, तो जब तक आप कंटूर बनाएंगे तो आप इसमें बहुत वेरी सारे पॉइंट्स को आप ले लेंगे, इसमें बहुत पास पास में करेंगे आप ऐसे, आप बहुत पास पास से बहुत सारे पॉइंट्स आप ले लिए ऐसे ऐसे करके, बहुत पास पास में। ठीक है, ये इन सब का आपने क्या कर लिया, इन सारे पॉइंट्स आपने क्या निकाल लिया, आरएल फाइंड आउट कर लिया। जब आपको आरएल मिल जाएगा सारे पॉइंट्स का, उसका इजीली आप क्या कर लिए, कंटूर ड्रॉ कर दीजिए। जो जो मिलेगा उसको आप कंटूर बना दीजिए, या आपका कंटूर बनते जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ बनेगा आपका कंटूर। जब छोटा सा एरिया होता है तो आप बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पास पास में लेकर, और इंटरवल भी पास पास लेके आप कंटूर ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपका, क्योंकि इसमें क्या टाइम बहुत लगना, टाइम आपका बहुत ज्यादा लगने वाला है, टाइम ज्यादा लगेगा, टीडियस ही बहुत है ये मेथड, टीडियस है। लेकिन आपको एक्यूरेट वर्क मिलेगा इसमें, एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा इसमें। ठीक, लेकिन आप इसको स्मॉल एरिया के लिए यूज कर सकते हैं।
आप बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक? डैट मेथड क्लियर है क्या? ठीक है, तो डैट मेथड थोड़ा सा एक और पॉइंट आता है, वर्टिकल कंट्रोल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल भी लिख देती हूँ मैं। जो इसमें हम वर्टिकल कंट्रोल करते हैं, वर्टिकल कंट्रोल करते हैं और दूसरा करते हैं हॉरिजॉन्टल कंट्रोल, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। तो वर्टिकल कंट्रोल में आप उसका आप लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, लोकेशन, लोकेशन ऑफ पॉइंट, लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन कंट्रोल। और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल में आप उस पॉइंट का सर्वे करते हैं, सर्वे ऑफ दोज पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायट मेथड। अब सेकेंड पे आते हैं हम, इन डायट मेथड पे। अब इसको पढ़ लेते हैं, इन डायट मेथड, इसमें क्या लिखा हुआ है आपका? इट इज सुटेबल फॉर अनड्यूलेटेड ग्राउंड एंड हिली एरिया। एक कहाँ की सुटेबल है? जब आपका ग्राउंड कैसा होगा? अनड्यूलेटेड होगा या हिली एरिया होगा। इन दिस द पॉइंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, द पोजिशन एंड एलिवेशन ऑफ विच आर नॉट नेसेसरी लोकेटेड ऑन कंटूर लाइन। ट्रेसिंग कंटूर इज द प्रोसेस इन विच द पोजिशन एंड रिड्यूस लेवल ऑफ ऑल सच पॉइंट इज देन डिटरमाइंड, द कंटूर आर देन ड्रॉन बाय इंटरपोलेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, इन डायट मेथड आप छोटे मोटे इरेगुलर नहीं करते हो, आप बड़े इरेगुलर करते हो। जब आपको सर्वे करना है और आपका एरिया कैसा हो, बहुत बड़ा हो, लार्ज हो, ठीक है, आपके पास बहुत बड़ा एरिया है सर्वे करने का, ठीक है, तो आप बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आप नहीं लेते, इंटरवल भी आप दूर दूर लेते हो, पास नहीं लेते हो। इसमें आपको टाइम क्या लगता है? कम लगता है, उतना इसके जितना टीडियस नहीं है ये, लेकिन आपको एक्यूरेसी भी इसके जितना नहीं मिलेगा। इसको आप लार्ज एरिया प्रिफर करते हैं, लार्ज एरिया के लिए हम इसको लार्ज एरिया के लिए प्रिफर करते हैं, कि इसको आपके इन डायट मेथड्स को, ठीक है। इसमें हम कोई भी रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी हमने रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और उसका बस आप आरएल निकालते हो, उसका बस आप आरएल निकालते हो और उसके बाद आप कंटूर को ड्रॉ करते हो। आप छोटे छोटे इंटरवल्स नहीं लेते, इसमें आप बड़े इंटरवल्स लेते हैं, रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और इंटरपोलेशन एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से आप कंटूर को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है यहां तक? ठीक है, अब देखिए इन डायट मेथड जनरली हमको बड़े एरिया जब काम करने होते हैं तो हम इन डायट मेथड को प्रीफर करते हैं। और इसको बनाने के आपके पास तीन मेथड्स हैं, और इसको बनाने के आपके पास तीन मेथड है। देखिए पहला आपको लिखा है मेथड ऑफ स्क्वायर, पहला क्या है आपका? मेथड ऑफ स्क्वायर। दूसरा है आपका मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा है आपका है टैक्योमेट्री मेथड। इसको हम टैक्योमीटर पढ़ना भी अलग से है, ठीक है, इसके बाद हम टैक्योमेट्री ही देखेंगे। और तीसरा इसमें हम हमारा टैक्योमेट्री मेथड है। तो ये तीन तरीके से आप क्या करते हैं, अपना इन डायट मेथड में आरएल फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद कंटूर को प्लॉट करते हैं, ठीक है। चलिए अब मेथड्स ऑफ स्क्वायर में आ जाते हैं। पहला मेथड जो है इसका, इन डायट मेथड का, इसमें क्या लिखा हुआ है? इन डायट मेथड को और क्या बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट मेथड ऑफ लोकेटिंग कंट्रोल। इसको हम कोऑर्डिनेट मेथड भी बोलते हैं। द एंटायर एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स फॉर्मिंग अ ग्रिड। इसमें हम पूरे एरिया को छोटे छोटे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में बांट देते हैं। द एलिवेशन ऑफ कॉर्नर्स आर डिटरमाइंड एंड द रिक्वायर्ड कंटूर्स आर इंटरपोलेटेड। उसके बाद हम जो कॉर्नर्स कॉर्नर्स के बस एलिवेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं, और जिसका भी आपको कंटूर बनाना होता है आप इंटरपोलेशन से उसका कंटूर को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस मेथड इज वेरी सुटेबल फॉर अ स्मॉल ओपन एरिया, दिस इज ऑल्सो सुटेबल लार्ज स्केल मैपिंग। देखो आप इसको करते किसके लिए हो? देखो इसमें से भी आप देखो, हम बोल रहे हैं कि लार्ज स्केल जब हमको बड़े एरिया में काम करना होता है तो हम इन डैट मेथड को प्रिफर करते हैं, लेकिन इन डैट मेथड में भी जो आपका छोटा स्मॉल ओपन एरिया रहेगा तो वहां पे आप मेथड्स ऑफ स्क्वायर को प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए आपका ग्राउंड है, मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है, ये मान लिया आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो इस ग्राउंड को हम क्या करते हैं,
इस ग्राउंड को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे मतलब स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे अपने इस एरिया को। आप क्या कर लोगे, रेक्टेंगल या फिर आपका स्क्वायर बन रहा होगा, ऐसे आप कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे ग्राउंड को चूने से। ठीक है, हम चूना लगाते हैं पूरे ग्राउंड में इस टाइप का। पहले नाप लेते हैं कितना आपका है, उसके पूरा चूना लगा कैसा लगा लेते हैं। ठीक है, चूना डाल देते हैं इसके ऊपर ऐसे करके। ये सुटेबल मिल गया आपको। अब क्या करते हैं, आप अपना यहाँ कहीं पे मान लीजिए अपना ये रखें, क्या अपना डंपी लेवल, और सारे मतलब सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट्स के दिख रहे हैं आपके, कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट्स, इसका बस क्या करते हो आप एलिवेशन फाइंड आउट कर लेते हो। जो कॉर्नर दिख रहे हैं आपके, ये सारे कॉर्नर स्क्वायर जो बन रहा होगा इसका, आप सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर का दिख रहा है ये, इसका बस आप फाइंड आउट करते हैं ये ऐसा। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास एक मेथड होता है इंटरपोलेशन। अगर मान लीजिए कि इसका आरएल आपका 80 है और इसका आरएल 90 है, अब आपको बनाना किसके लिए, 81.5 के लिए हमारा आपका कंटूर बनाना है, तो 80 और 90 के बीच में यहाँ कहीं पे आ रहा होगा वो पॉइंट आपका 81। ठीक है, तो आप निकालते हैं कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पे आपका ये 81.5 आएगा। ठीक है, हम इंटरपोलेशन निकालते हैं, उसके बाद आप इसके लिए मान लीजिए, और यहाँ भी कहीं पे आपका 81, यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, इसमें कहीं यहाँ कहीं मान लीजिए आ रहा होगा, तो उसके बाद हम ऐसे करके फिर इसको कंटूर को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए 81 होगा, ऐसे कहीं जा रहा होगा ये ऐसा कुछ जा रहा होगा, मान लीजिए 81.5 का ऐसा कुछ, ऐसा हम कंटूर बनाते हैं इसमें। जो आपका ये स्क्वायर जो ग्रिड्स होता है ना, इसका एक जो स्क्वायर होता है 5 x 20 मीटर का होता है। एक जो स्क्वायर स्क्वायर का जो आपका लेंथ होगा वो 5 से 20 मीटर का होता है, डिपेंड करता है आपका। ठीक है, नहीं मतलब कि आप किसके लिए बना रहे हैं कंटूर। जब एरिया आपका उतना अंड्यूलेटिंग नहीं होता तब हम इसको प्रीफर करते हैं। कब करते हैं इसको, ये आपका कौन सा मेथड है, आपका स्क्वायर मेथड है, स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो इसको आप प्रीफर करते हैं किसके लिए, स्मॉल के लिए, स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल एरिया के लिए, एंड नॉट वेरी मच अंड्यूलेटिंग, एंड नॉट वेरी मच अंड्यूलेटिंग, ज्यादा अंड्यूलेशन भी नहीं होना चाहिए, अंड्यूलेटिंग, तब वहां पे आप स्क्वायर मेथड को प्रिफर करते हैं। जो इसमें एक जो ग्रिड होती है उसका 5 से 20 मीटर उसका लेंथ होता है, डिपेंड करता है कंटूर के नेचर के ऊपर। ठीक है यहां तक, चलो देखो इसमें क्या करते हैं ना कि जो आपका पूरा ग्राउंड है, आपका जो स्क्वायर मेथड होता है पूरा जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड को पहले आप क्या कर लेते हैं, पूरा सर्वे कर लिया आपने, ये लेंथ में आपने मेजर कर लिया, आप पूरे लेंथ को आप 5 से, जो आपका एक एक जो बनेगा ना स्क्वायर का, एक एक स्क्वायर ये 5, मान लो आप 5 मीटर ले गए, आपका यही 5 मीटर हो गया, ये 5 मीटर आपने पूरे अपने एरिया को ऐसे सुटेबल उसमें आप बांट लेते हो। आपके पास वो धागा होता है, हाँ विड्थ विड्थ जो आप ये अपने पूरे माने, तो ग्राउंड ये टॉप व्यू समझना ना, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू बना रहे हैं, मान लीजिए कोई ग्राउंड है पूरा आपका ऐसा करके। ठीक है, इसमें आपको सर्वे करना है, तो आप क्या करो पूरा इसका लेंथ निकाल लेते हो, कितना लेंथ है, फिर आप डिसाइड कर लेते हो कि हम कितना लेंथ रखेंगे इसमें, कितना लेंथ रखेंगे, तो उस हिसाब से पूरे अपने इसमें हम धागा वगैरह बिछाते हैं ना, जैसे कहीं घर और बनते आपने देखा होगा कि हम धागा लगाते हैं सीधा करने के लिए, है ना, वो धागा व्हाइट कलर धागा आता है आपका, उससे आप पूरा इसमें डालते हैं चूना, ताकि वो दिखे आपको कहाँ कहाँ आपको सर्वे करना है पॉइंट में, ग्राउंड में कहाँ आपको आरएल फाइंड आउट करना है, तो पूरे पूरे एरिया का सुटेबल ऐसे बांट देते हो ऐसे ग्रिड्स में। ये जो एक बन रहा है ये कहता है ग्रिड आपका, ये एक ग्रिड बन रहा है आपका, ये पूरा आपने ऐसे ग्रिड बांट दिया इसको ऐसा करके। जो एक इसका विड्थ होगा ना ये 5 से लेके 20 मीटर तक होता है, डिपेंड करेगा कैसे कितना बड़ा आपका एरिया है, एक जो आपका ग्रिड होगा। हाँ टीडीएस तो है, लेकिन ऑब्वियसली तो उससे टीडीएस है आपका डायट मेथड में टीडीएस। टू
watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.